प्रभु येसु संत फाउस्टीना को दर्शन देकर दया की माला बिंदी के बारे में उन्हें जानकारी दिए और पूरी प्रार्थना उन्हें बताए थे, दिए थे, और ये चित्र भी। हम ईश्वर को विशेष रूप से धन्यवाद दें। और आज प्रभु येसु की दया के त्योहार की तैयारी का आज दूसरा दिन है, नोवेना का दूसरा दिन। आज हम प्रभु येसु जो संदेश संत फाउस्टीना को दिए थे उसमें से एक छोटी सी शिक्षा या संदेश हम लेंगे, वो है नम्रता की बात। संत फाउस्टीना वास्तव में जब प्रभु येसु उनसे कहे थे कि उन्हें इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेकर पूरी भक्ति को फैलाना है, संत फाउस्टीना डर गई। वो प्रभु से कही, प्रभु ये मेरे लिए संभव नहीं है, मैं इसका योग्य नहीं हूं, मैं तो कमजोर हूं। लेकिन प्रभु येसु कहते हैं, फाउस्टीना मैं यही चाहता हूं, मैं इसी प्रकार की आत्माओं को मैं चाहता हूं, पसंद करता हूं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मैं काम कर सकता हूं, कार्य कर सकता हूं, मुझे मनुष्यों की शक्ति की जरूरत नहीं है। जब एक व्यक्ति अपनी कमजोरी को स्वीकार करता है, कहता है कि प्रभु ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं इसका योग्य नहीं हूं, और वह आत्मसमर्पण कर देता है निडर होकर, मैं उसके द्वारा महान कार्य कर सकता हूं, मैं तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम डरो मत, तुम जो कुछ कर सकते हो उसको करो, और जो तुम नहीं कर सकती हो उसको मैं करूंगा। तुम जानती हो कि तुम्हारे अधिकार में, तुम्हारी क्षमता में तुम क्या कर सकती हो उसको करो। प्रिय भाई और बहनों, हम भी हमारे जीवन में हमारी महिमा की बातें हम यहां नहीं कर रहे हैं, हम ईश्वर के कार्य के बारे में हम मनन कर रहे हैं। यहां प्रभु येसु जो संत फाउस्टीना को शिक्षा दिए कि हमारे जीवन में हमारी कमजोरियां वास्तव में एक वरदान बन सकते हैं, जब हम उनको लेकर ईश्वर के पास जाकर हम उनसे कहें, प्रभु मेरे लिए संभव नहीं है, मुझे तेरी जरूरत है। हम पूरी नम्रता के साथ जब ईश्वर के पास जाकर हम आत्मसमर्पण कर देते हैं, ईश्वर हमें ऊपर उठाकर हमारे द्वारा वास्तव में उस कमजोरी को अपना ताकत, अपना हथियार बनाकर ईश्वर कार्य करते हैं। जैसे संत फाउस्टीना के द्वारा ईश्वर इतना बड़ा कार्य किए, आइए हम अपने आप को भी ईश्वर के चरणों में अर्पित करें। जैसे हम उनकी इच्छा अनुसार उनकी दया का यह महोत्सव मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हम भी अपने आप को ईश्वर के चरणों में रखना, आत्मसमर्पण करना हम सीखें, अपनी कमजोरियों को ईश्वर के पास ले जाना, आत्मसमर्पण करना, और हमसे जो कुछ हो सके उनको करना हम सीखें। हम पुराने विधान में बहुत सारे उदाहरण ऐसे देख सकते हैं। मूसा के हाथ में क्या था? एक डंडा था। वो क्या कर सकता था? केवल डंडा लेके समुद्र पर वार कर सकता था, मार सकता था, और कुछ नहीं। लेकिन यदि वो नहीं मारा होता, ईश्वर आगे कार्य नहीं करते। दाऊद को देखिए, दाऊद केवल एक पत्थर से उतना विशाल मनुष्य को मार गिराया, उससे क्या हो सकता था? उतना ही वो जानता था, वो तैयार हो गया वो करने के लिए, और वह क्या कहकर जाता है, मैं विश्वमंडल के ईश्वर के नाम पर मैं आता हूं। हम भी उसी प्रकार जीना सीखें। भाई हम प्रार्थना करें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हे परम पावन दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र के लिए और उनके द्वारा जो दया का संदेश तू आज हमें विशेष रूप से दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें कृपा दे कि हम भी अपनी कमजोरियों को तेरे चरणों में ले आकर आत्मसमर्पण करते हुए तुझ पर पूर्ण भरोसा और विश्वास करके जीने की कृपा हम सबों को मिले। तेरे पिता, इन प्रार्थनाओं के साथ साथ यहाँ उपस्थित तेरी इन सभी संतानों की प्रार्थनाओं को भी हम तेरे पावन चरणों में लाते हैं। हम सबों की प्रार्थनाओं को भी सुन और पूरा कर, और हमारे द्वारा तेरी महिमा प्रकट हो, हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम दया की माला बिंदी शुरू करें। प्रारंभिक प्रार्थना। हे अति मधुर यीशु, तू मर गया लेकिन पुनर्जीवित होकर आत्माओं के लिए जीवन का स्रोत बन गया,
और तुझसे सारी दुनिया के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा। हे जीवन का स्रोत, अथा ईश्वरीय दया, सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और हमारे लिए अपने को अर्पित कर दे। प्रभु यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में वह निकला रह और जल। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। प्रभु यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में वह निकला रह और जल। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। प्रभु यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में वह निकला रह और जल। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रेरितिक धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर,
हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमरेश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमरेश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमरेश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमरेश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमरेश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमरेश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे
हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमरेश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमरेश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमरेश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमरेश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमरेश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमरेश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। करुणा के लिए प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, हम और हमारे माँ बाप, भाई बहनों, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें, हमारे परिवारों और हमारे सब वस्तुओं का अभिषेक कर, तू हमें अपना बना कर, तेरे पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन।